हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे एबल टू के बारे में। देखो, एबल का मतलब होता है योग्य। जब हम किसी काम करने के लिए हमारे अंदर सक्षमता होती है तो आप एबल भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने बोला, मैं पढ़ाने के लिए योग्य हूँ। अब देखो, एबल का मतलब तो योग्य होता है, यहाँ पर हम टू क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम एक और वर्ब को यूज कर रहे हैं। जब कभी हम दो वर्ब का यूज करते हैं तो उसके बीच हमेशा टू लगाया जाता है, फिर आप टू लगा के दूसरी वर्ब लगा सकते हो। और जब टू लगा के दूसरी वर्ब लगाओगे तो हमेशा आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। जैसे मैंने बोला कि मैं क्या हूँ, कार चलाने के योग्य हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई एम एबल टू ड्राइव अ कार। वही शी इज एबल टू रिसीव योर कॉल, मतलब वो तुम्हारे कॉल उठाने के लिए योग्य है। और दे आर एबल टू पास एग्जाम, मतलब वो एग्जाम पास करने के लिए योग्य है। देखो, जब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में तो एबल टू का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज़मान, फिर एबल टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वही अगर हम बात करें किसकी, नेगेटिव सेंटेंस की, तो उसके लिए क्या स्ट्रक्चर बनाएगा हमारा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज़मान, फिर नॉट, फिर एबल टू, फिर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। अब मैंने बोला वहां क्या नहीं है, वहां बहुत ज्यादा वेट उठाने के लिए योग्य नहीं है, या बहुत ज्यादा उठाने के लिए वो योग्य नहीं है, या मैं नहीं हूं, तो आई एम नॉट एबल टू लिफ्ट दिस मच, इसका मतलब मैं इतना उठाने के लिए योग्य नहीं। अब वही यू आर नॉट एबल टू टच द रूफ, मतलब तुम छत को छूने के लिए योग्य नहीं हो। शी इज नॉट एबल टू सिंग अ सॉन्ग, मतलब वो गाने गाने के लिए योग्य नहीं है। तो जब भी आप किसी भी चीज के लिए योग्य नहीं होते तो आप नॉट लगा के क्या कर सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म को यूज कर सकते हैं। वही इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या आ जाएगा हमारा, इज एमआर टू पहले आ जाएगा, इज एमआर आ जाएगा, फिर हमारा क्या एबल टू लगाना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले इज एमआर, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, फिर एबल टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने बोला क्या मैं योग्य हूँ अखबार पढ़ने का, आप बोल सकते हैं एम आई एबल टू रीड द न्यूज़पेपर। क्या मैं योग्य हूँ डांस करने का, कैसे बोलेंगे एम आई एबल टू डांस। और क्या तुम योग्य हो होमवर्क पूरा करने के लिए, तो क्या बोलेंगे आप, आर यू एबल टू कंप्लीट द होमवर्क। क्या वो योग्य है इंग्लिश सीखने के लिए, तो कैसे बोलेंगे इज शी एबल टू लर्न इंग्लिश। तो जब भी हम एबल टू के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा इज एमआर आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर एबल टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या था हमारा एबल, जो हमने आज की क्लास में पढ़ा। एबल का मतलब क्या था, योग्य। और जिस भी काम के आप योग्य हो तो बोलना हम एबल। मैं पढ़ाने के योग्य तो हम एबल टू टीच, वहां गाने गाने के योग्य तो ही इज एबल टू सिंग अ सॉन्ग, मैंने बोला वहां डांस करने के लिए योग्य तो शी इज एबल टू डांस। तो जिस भी काम के मैं योग्य हूं तो बोलना हम एबल, और नहीं हूं तो आप बोल सकते हैं आई एम एबल या आई एम नॉट एबल। आपने डिसेबल भी सुना होगा, डिसेबल उसे बोलते हैं जो हैंडीकैप होता है, जिसे हम हिंदी में विकलांग कहते हैं, उसे डिसेबल कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।